अमरोहा के रायपुर खुर्द में नशेड़ी युवक को परिवार के लोगों ने ही पेड़ से बांध दिया, जिसका वायरल वीडियो सामने आने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग के आरोप में चालान किया है। शाजापुर में अपने घर के दरवाजे पर खड़ी एक नाबालिग छात्रा को पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक गुड्डू बहला फुसला कर अपने साथ दुकान पर ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ रेप किया और छात्रा को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शाजापुर में बाढ़ की विभीषिका के चलते जिला प्रशासन द्वारा बांटी जा रही बाढ़ राहत सामग्री में वितरण के दौरान मारपीट, गाली गलौज और फायरिंग हो गई, जिसमें पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश की जा रही है। रायबरेली में बात खुलने और समाज के डर से एक प्रेमी युगल ने एक साथ नहर में छलांग लगा दी। घटनास्थल पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सर्च अभियान चलाया। नहर में बहाव ज्यादा होने के कारण अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। बदायूं के उघेती थाना क्षेत्र में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी का प्रयास किया। चोर स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़ने में तो सफल हो गए, लेकिन कैश की अलमारी का ताला नहीं तोड़ सके। सुबह बैंक खुलने पर अधिकारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस शातिर चोरों की तलाश में जुटी है। बिजनौर के ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में शिक्षक संघ के बैनर तले तमाम शिक्षकों ने संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए। मांगे पूरी न होने के एवज में शिक्षकों ने महानिदेशक कार्यालय लखनऊ पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। रायवाला स्थित संपत्ति देवी पब्लिक स्कूल में श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के आयोजन पर एक दिवसीय निशुल्क बाल रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 101 बच्चों के स्वास्थ्य जांच सहित उनके हृदय की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें एक छात्र में हृदय संबंधी विकार पाया गया। ऋषिकेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पौड़ी पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पूरे नीलकंठ कांवड़ क्षेत्र को एक सुपर जोन और 7 जोन में बांटा गया है। पुलिस जोन की जिम्मेदारी पौड़ी के तत्कालीन एडिशनल एसपी शेखर सुयाल को सौंपी गई है, जबकि जोन की जिम्मेदारी सीओ रैंक के अधिकारियों को दी गई है। पूरा कांवड़ क्षेत्र 950 पुलिस कर्मियों के सुरक्षा घेरे में रहेगा। इसके अलावा 2 SDRF और 1 NDRF के साथ 8 जल पुलिस की टीम सुरक्षा के लिहाज से गंगा घाटों पर तैनात रहेंगी। जनपद टिहरी के तपोवन ग्राम सभा में अवैध रूप से बनाए जा रहे एक होटल के निर्माण को जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया। सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत भी बिल्डर को दी गई है। सील के साथ छेड़छाड़ करने पर बिल्डर पर मुकदमा दर्ज करने की भी चेतावनी दी है। उत्तरकाशी में काफलो गांव के ग्रामीण 80 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां काफलो गांव के ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के ऑफिस के बाहर शिक्षकों की कमी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों का घेराव किया। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कराई गई तो ग्रामीण शिक्षा विभाग में धरने पर बैठ जाएगा।